स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फोर वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट फोर वीडियो में एक्सरसाइज 22.1 पे है। क्वेश्चन नंबर है 15, कह रहा है अति परवलय 4x² - 9y² = 36 का अक्ष, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभि लंब निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले इसको देखें, यहाँ समीकरण दिया है 4x² - 9y² = 36। तो दोनों तरफ 36 से भाग कर दे, या 36 को इधर लाओ भाग में, तो हो जाएगा 4x² / 36 और माइनस का 9y² / 36 = 1। इसको काट देंगे 9 बार में और यहाँ से काट देंगे ये 4 बार में, तो x² / ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और y² / 2 का स्क्वायर। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है कि अति परवलय एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, जिसका जिसका केंद्र मूल बिंदु है। जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु है। कैसे? यही ना पता चला है इस समीकरण के रूप से, यानी a बराबर यहाँ पे 3 और b बराबर में 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या क्या निकालना है? पहले अक्ष निकालना है, फिर नाभियों के निर्देशांक निकालना है, फिर उत्केंद्रता, फिर नाभिलंब। तो चलिए अक्ष की बात करें तो पहले देखते हैं हम लोग अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या होती है? 2a ना, तो यानी कि 2a यानी हो जाएगा 2 × 3, 6 आ जाएगा। चलिए फिर संयुग्मी अक्ष की लंबाई वह क्या होगी? 2b हो जाएगी। लंबाई जो होगी 2b हो जाएगी, यानी कि 2 × कितना हो जाएगा 2, यानी 4। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है? तो फिर हमें निकालना है नाभियों के निर्देशांक। ठीक है, तो नाभि तो आपका c ना होगा, तो c पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो c बराबर हो जाएगा √a² + b² है ना। तो आपका यहाँ से निकल जाएगा क्या हो जाएगा? √3² + 2² यानी यहाँ से c बराबर आ जाएगा √13। तो यहां से आपका नाभि जो हो जाएगा, नाभिया हो जाएगा ±c, 0 ना, यानी कि हो जाएगा ±√13 और 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या निकालना है? उत्केंद्रता निकालना है यानी कि e निकालना है ना। तो e बराबर होता है क्या होता है? c/a ना। चलो तो यहाँ पे हम लोग ई यहाँ लिख देते हैं, ई बराबर होता है c/a यानी कि √13 और √3 √13/3 हो जाएगा। अभी नाभिलंब भी बच गया, तो नाभिलंब यहीं पे लिख देते हैं, नाभिलंब की लंबाई क्या होता है? 2b² / a। चलो तो 2b क्या है? b है 2, तो 2 का स्क्वायर और बाई a में है 3, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 × 8, 8/3 आ जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे बना ये सारे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन।